बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और रास्ते मुस्कुराते रहें। जी तो स्नैक दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो यहाँ पे अम्मी जी जो है ना, आयत फातिमा का मैंने अम्मी जी को मैंने झूला बांध के दे दिया। आयत जो है ना झूले में सो रही, तो मैंने कहा आप इसको झूला देती रहें और मैं जो है ना सारी रजाइयाँ उठा के धूप में डाल दी। माशाल्लाह अच्छी खासी धूप निकल आई आज माशाल्लाह। और इधर जो हम लोग कालीन बिछाते हैं नीचे, उसको भी मैंने धूप में यहाँ पे डाल दिया है। इसको भी सीधा कर देती हूँ ताकि इसको धूप अच्छे से लग जाएगी, तो फिर शाम तक इसको जो है ना वापस बिछा देंगे, क्योंकि हम लोग फिर इसी पे बैठे रहते हैं, सोते भी हैं बैठते भी हैं, तो ये फिर हमारे काम आ जाते। ये तो आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में, ये जो मैंने टोकरी में उठाए हुए हैं वो मसाले हैं, टमाटर प्याज अदरक और लहसुन जो है ना मैंने उठाया हुआ है। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ और मेरे घर में कौन आ रहा है, आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। आज जो है ना मेरे लिए बहुत ही मेरी बड़ी हस्ती है और सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए जो मेरे घर में आ रहे हैं, तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। मैं क्या बना रही हूँ उनके लिए, मेरा दिल इतना खुश हो रहा है, खुशी के मारे मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैंने पानी भी बॉल भर लिया है और जो है ना इधर मेरे हाथ में मसाले, अम्मी जी बैठी हैं तो मैंने कहा आप झूला भी झुलाती रहें और जो है ना मसाले भी बना दें ताकि इतनी देर में मैं कुछ और काम कर लूँ। तो एक मिनट में रख के दे देती हूँ अम्मी को, कहीं पानी गिर ना जाए। यहाँ पे धो लेंगी टमाटरों को अच्छे से और यहाँ पे आया फातिमा को एक हाथ से झूला भी झुला रही है और मसाले भी बनाती रहेंगी। मैं इतनी देर में कुछ और काम कर लेती हूँ। इधर जो है ना अबू जी बैठे हुए हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है कुछ। कैसी तबीयत है अबू आपकी? कुछ बेहतर है, मैं साइकिल मोटर के लिए बैठा हुआ, आज मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। अच्छा अबू, आपको अल्लाह सेहत दे, अल्लाह पाक सेहत दे आपको। आप दवाई लेके घर जल्दी आइएगा क्योंकि आज जो है ना सरप्राइज है हमारे बहन भाइयों के लिए और हमारे लिए जरा वो खास मेहमान आ रहे हैं। आमीन आमीन। तो आप जो है ना बस अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे, आप जल्दी आइएगा ठीक है। ठीक है चलें जी, और अब ये काम शुरू करते हैं। माशाल्लाह अम्मी ने मुझे सब्जी और मसाले बना के दे दिए, मैंने सारे मसाले और सब्जी इधर रख लिए। मैंने कहा मैं पहले आटा गूंद लूं, उसके बाद मैं फिर सालन चढ़ाऊंगी क्योंकि मेहमान अभी हमारे पहुंचे नहीं, वो रास्ते में। मैंने कहा मैं उनका खाने का इंतजाम कर लूं जल्दी जल्दी से क्योंकि फिर मुझे टाइम भी मिल जाए उनके पास बैठने का, क्योंकि फिर जो है ना कोशिश करूंगी उनको रोकने की, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं खाने का इंतजाम जल्दी जल्दी से कर लूं। यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ और आया फातिमा भी नींद से उठ के आ गई, झूले से अम्मी ने निकाल दिया इसको, अम्मी की जो गोद में नहीं बैठी इधर ही आ गई है क्योंकि इसको लगी है चोट सुबह को, तो इसलिए जो ना ये देर तक रोती रही है और सोती भी रही है साथ में। आ जाओ आया, चोट कहाँ लगी मुझे दिखाओ, पट्टी भी बांधी हुई आयत ने, क्योंकि उंगली पे लगी थोड़ी सी खून निकला ना तो ये घबरा गई है। आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आटा मैंने गूंद लिया है और जो मेरे मेहमान हैं वो भी पहुंच चुके हैं और इंतजार की घड़ियां खत्म। सरप्राइज जो है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ कौन है मेरे लिए, क्या सरप्राइज है। चलें जी, ये हमारा सरप्राइज है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है। सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली को भी अम्मी जी सलाम करें। ये है मेरा सरप्राइज और ये मेरे खास मेहमान हैं, इतने दिनों बाद आए हैं क्योंकि मैं तो जाती रहती हूँ, ये तो बहुत कम आती क्योंकि घर से निकलती भी नहीं है, तो आएंगी क्या? घर ही तो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, बस वो ताइबा को भी तो लुटाई रख दिया। हाँ ये सही बात है, ताइबा को कहती है। चले जी माशाल्लाह, मेरे लिए तो इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। ये बहन भाई हैं दोनों, ये मेरे मामूजाद हैं, इनके भाई भी हैं और मेरे सुसा भी हैं, मेरे अबू भी हैं, तो इसलिए ये जो है ना गपशप कर रहे हैं, मैं जब तक पानी शानी ले आती हूँ उनको पिलाती हूँ। जी तो हमारा दूसरा मेहमान कौन है? वो है हमारी बड़ी बाजी, क्योंकि ये भी आई मैंने अपनी बेटी को उठाया, जैसे बाजी आई है ना तो फौरन से आयत फातिमा इनको चिपका गया क्योंकि सारा दिन वहाँ पे भी इनको चिपकी रहती है, तो अभी भी उठ के ये दिखा रही थी उंगली को कि मुझे यहाँ पे चोट लगी है। पता नहीं किस चीज से काटा है, किस चीज से काटी है बेटी को? ये कप टूटा हुआ था ना, कप उठाया तो वो उंगली पे ना थोड़े से निशान आ गए, तो इसलिए जो ना खून निकला फिर घबरा गए। चलें जी बैठे, आप बैठे, अम्मी जी भी आ गई हैं। ये देखे माशाल्लाह मेहमानों के लिए जो है ना मैं सालन तैयार कर रही हूँ, इधर जो है ना अम्मी जी दिल से रोटी बना रही हूँ क्योंकि खाने को देर ना हो जाए इसलिए। अल्हम्दुलिल्लाह सालन को जो है ना 15-20 मिनट देर है, तो मैंने कहा यहाँ पे दस्तरखान जल्दी जल्दी से लगा लूँ, तो अभी मेहमानों के लिए मैं लगा रही हूँ दस्तरखान।
ये देखें माशाल्लाह। तो अभी जो है ना फिर रोटी लेके आती हूँ और सालन को भी देखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे दस्तरखान मैंने लगा दिया और इधर जो है ना मैंने चाय की पतीली भी चढ़ा दी हल्के चूल्हे पे। चाय को जोश आता रहेगा और मैं चलती हूँ वहाँ पे। अम्मी को मैंने बोला आप खाना दें सबको, तो मैं जो है ना आ रही हूँ। तो हल्का चूल्हा कर दिया, अभी चलती हूँ। उस कमरे में मेहमानों को बिठा दिया है मैंने माशाल्लाह। ये देखें हमारा खाना जो है ना बिल्कुल तैयार है और जो है ना अम्मी डाल के दे रही हैं। अबू जी भी आ गए और साथ में मुस्तफ़ा भी आया हुआ है आज, है ना मुस्तफ़ा? सलाम करो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अम्मी जी भी और बड़ी बाजी यहाँ पे खीर लड़की दे के गई है, तो जो है ना इनका नसीब था। हाँ, इनका इसमें नसीब था, तो जो है ना खीर भी शामिल हो गई है। तभी इनको खाना देते हैं। सबसे पहले अम्मी जी को दिए, अब्बू को देती ना आप। तो आयत फातिमा भी आ गई। आयत कहाँ है, चोट कहाँ लगी है, दिखाओ मुझे। आयत दिखाओ। उय बहुत जोर की लगी है। उय अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानों ने खाना खा लिया। अभी मैं चाय लेके जा रही हूँ, तो वो गपशप भी कर रहे हैं और जाना खाना भी खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और चाय अभी देती हूँ उनको। अल्हम्दुलिल्लाह चाय आ चुकी है और अम्मी जी के साथ और बाजी के साथ गपशप भी कर रहे हैं। अम्मी जी मेरी सासू माँ भी इधर बैठी हुई थी, अभी गई है बाहर, तो कह रही है मैं आ रही हूँ, तो बस चाय पीते हैं। बैठो बैठ जाओ। आज मेरी नानी अम्मा आई हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशखबरी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं स्कूल चली गई थी, मुझे नानी अम्मा का पता भी नहीं था। अचानक जो है नानी अम्मा आई हैं, तो मुस्तफ़ा भी उनके साथ आया, तो अभी वो जा रही हैं ना, मैं उनके साथ बैठी हूँ, सिर्फ मिल के बस यूनिफॉर्म चेंज किया है, उसके बाद कपड़े मतलब मदरसे के कपड़े बदले हैं, लड़कियों वाले कपड़े पहने। अभी नानी अम्मा के पास चलते हैं, नानी अम्मा के आपको मुलाकात करवाते हैं। नानी अम्मा मुलाकात क्या करेगी, नानी अम्मा इतनी जल्दी में आई है और कह रही है मुझे घर जाना है, बस जैसे खाना खा। तैबा की तेज जो है ना, तैबा नहीं होता, सारे आदम तैबा को तरवाओ ना। अच्छा, तैबा को कैसे मैं छोड़ा कहीं। अच्छा, तैबा को तो संभालने ना, तैबा के लिए मुझे जाना है, इसलिए वरना मैं ना जाती, क्योंकि तैबा को तो मुझे संभालना है। वैसे तो मैं रह जाती, मेरे अजीज हैं, और भी क्या करूं। नानी आप ने अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया, मैं अभी स्कूल से ही हूँ, अभी आप जा भी रही हैं, फिर कभी आएंगी ये हमें डेट बताया जाए। आज भी पता नहीं किस तरह से आई हैं ये, वो भी अपने काम से आए हुए थे, भांजा मेरा तो उनके साथ आए हैं सब। हुन भी भांजा सी थे आवे सब। चलो इंशाल्लाह, मेरे को टाइम पूछ नहीं होता है, डेट बता दें। चलें आप एक हफ्ता हम लोग आएंगे, एक हफ्ता आप आइएगा हमारे घर, ठीक है? चलें ठीक है। अच्छा, अल्लाह जिंदगी अल्लाह ने ठीक है नानी अम्मा। अच्छा ठीक है, ठीक है। और मुस्तफा भी आया हुआ है, हमारा क्यूट सा कजन मुस्तफा। चलो सलाम करो। बस अभी याद आ रही, क्योंकि हमारे छोटे छोटे घर में ना इसका घबराहट हो रही थी, अभी ये कह रहे हैं कब चलेंगे अपने घर, कब चलेंगे। चलो ठीक है, चलो। यहाँ पे चाची का बेटा जो है ना साइकिल लेके आया है, तो आया साथ में भी खुश हो रही है, कह रही है कि मुझे दो मैं चलाऊं। तो साइम भी आ गया साथ में, कह रहे हैं मुझे दो मैं चलाऊं, तो आयत कह रही मैं चलाऊंगी। खैर अल्लाह पाक देंगे इंशाल्लाह, इसको भी मैं जरूर दिलाऊंगी साइकिल। और जो है ना मेहमान हमारे चले गए हैं, हम लोगों ने इतनी मेहनत की, हफ्सा ने, मैंने, सब ने, अम्मी लोगों ने भी। तो अम्मी कह रही हैं कि तायबा की वजह से जो है ना मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि भाभी जी जो है ना काम वाम करती रहती हैं और व्लॉग बनाती हैं, बहुत मसरूफ़ होती हैं, तो मुझे अभी घर जाना ज़रूरी है। मैंने कहा चले कोई बात नहीं। तो बाजी जो है ना पहले चली गई थी, बच्चों के लेनी थी चप्पलें वगैरह घर की, तो वो पहले चली गई थी, इसलिए जो है ना बाद में फ़ोन किया, तो अम्मी भी साथ में चली गई हैं। तो बस अब घर का काम शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शाम का टाइम हो गया, यहीं पे इस वीडियो का करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।